नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद है मेन बाजार में कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह दलाल का आज बाजार में दुकानदारों ने जोरदार स्वागत किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज व्यापारियों के साथ साथ तीन बार के पार्षद हैट्रिक मैन पवन भडाना भी आ पहुंचे हैं उनके साथ और दुकान दुकान जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले तो माहौल पूछते हैं पवन भडाना से। भडाना साहब, दलाल साहब के साथ आपका दिल मिल गए हैं, कैसे अचानक परिवर्तन हुआ? देखिए, ये जो फैसला हमने लिया है, हमारी टीम ने, ये शहर के हित को देखते हुए लिया है। और आज जो हम देख रहे हैं पलवल के जो बाज़ार में, ऐसा उत्साह मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। आज ऐसा विशेष, ऐसा अद्भुत स्वागत मंत्री जी का बाज़ार के 36 बिरादरी के लोगों ने करने का काम किया है। इसको देखते हुए हमें लग रहा है कि आने वाला जो ये 5 तारीख को मंत्री जी का जो चुनाव है, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से बाजार का हर वर्ग मंत्री जी को जिताने जा रहा है। आप तीन बार पार्षद रहे हैं, इस बार पलवल विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार भी थे, इनेलो और बसपा की टिकट की आपकी बात भी चल रही थी, फिर आप पीछे क्यों हट गए? देखिए, जो मैंने पहले भी बताया था और मैंने कल भी अपने भाषण में कहा था कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी, मैं सही मायने में आज कहूँ, बाजार में मैं भी चुनाव लड़ रहा था, मेरी भी मजबूत दावेदारी थी, लेकिन जो व्यक्ति आज जो जिन व्यक्तियों ने मेरी सही मायने में राजनीतिक हत्या करने का काम किया है, जिन व्यक्तियों ने मेरी राजनीतिक हत्या की है, उन व्यक्तियों से बदला लेने का आज काम करना है। उन व्यक्तियों से बदला जब ही लिया जाएगा जब दलाल साहब को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताने का आप काम करेंगे। मेरा बदला तो जब ही होगा जब मंत्री जी को आप आशीर्वाद देने का काम करेंगे। लेकिन करण सिंह दलाल के आप लोग घोर विरोधी रहे, करण सिंह दलाल के आप लोग घोर विरोधी रहे, आपका परिवार, तो आप दलाल साहब के साथ क्यों मिले हैं? देखिए, राजनीति में कोई विरोधी नहीं होता, राजनीति में कोई विरोधी नहीं होता। आज हमने शहर के हित को देखते हुए, शहर के हित में हमेशा अच्छे काम मंत्री जी ने किए हैं, और ऐसी आशा उम्मीद मैं अपनी तरफ से बाजार के लोगों को आश्वासन देता हूं, अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से भी, मंत्री जी बाजार के लोगों के साथ जिस तरीके से पहले खड़े रहे थे उससे भी मजबूती से बाजार के लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। भाजपा कह रही है कहो दिल से भाजपा फिर से, आप दिल से बताइए क्या माहौल है? भाजपा को लोगों ने दिल से 10 साल का राज दिया हरियाणा, लेकिन भाजपा ने दिल से लोगों की सेवा भाव नहीं की, हरियाणा को बहुत पीछे धकेल दिया, बेरोजगारी को बढ़ा दिया, फिरौती का धंधा शहरों में होने लगा, महंगाई सबके ऊपर चढ़ के बोल रही है, किसान मजदूर परेशान है, कमेरा वर्ग परेशान है, कर्मचारी परेशान है, नौजवान मायूस है। आज 10 साल के बाद हरियाणा की 36 बिरादरी का मन बन चुका है कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, और भाई पवन भडाना जी और मैं और समस्त, आज आप देख रहे हैं, शहर के वाणिज्य परिवार सभी मेरे साथ लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो एक ये पहली दफ़ा मेरे 8वां चुनाव है, शहर के अंदर ऐसा उत्साह पहली दफ़ा मैं देख रहा हूं कि शहर के वाणिज्य परिवार मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। आप कहते हैं कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गतपुरी रैली में कह रहे हैं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और मेट्रो पलवल आ रही है। ये बात तो इन्होंने 10 साल पहले अपने घोषणा पत्र में भी कही थी, मेट्रो पलवल आएगी, लेकिन अब कांग्रेस लेके आएगी, और कांग्रेस ही बल्लभगढ़ तक लेकर के आई थी, पलवल भी कांग्रेस लेकर के आएगी। मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के हेमंत बिश्वा शर्मा असम के, वो भी पलवल आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता पलवल आ रहे हैं उनसे मेरा सबसे आग्रह है कि 10 साल के राज में, केंद्र और हरियाणा में इनका इतना लंबा राज रहा, इन्होंने क्या सौगात इन दोनों जिलों को दी, फरीदाबाद लोकसभा में कोई कारखाना सरकारी लगाया हो, कोई इन्होंने मेट्रो लाए हो, कोई हमारी रेल बंद की हुई है, 12 चलती हैं, 20 रेल बंद हैं, कोई रेलवे का प्रोजेक्ट नहीं, पलवल का रेलवे स्टेशन मोहताज पड़ा हुआ है, पलवल के जहां महात्मा गांधी जी के नाम से ये जाना जाता है पलवल और रेलवे स्टेशन, पलवल में सीवर बंद है, पानी बंद है, सीवर पानी मिलकर के पीने में आ रहा है, बाईपास और हर जगह जाम लगे रहते हैं, तो पलवल को तो इन्होंने गांव बना दिया। अब कांग्रेस आ रही है, हम पलवल को नोएडा बनाएंगे, गुड़गांव बनाएंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज पॉलिटेक्निक स्कूल लेकर के आएंगे,
और स्वास्थ्य और शिक्षा इनका विस्तार करेंगे। आपने बाजार में स्वागत किया करण सिंह दलाल का और पवन भड़ाना जी का जी। ये बताइए बाजार में माहौल क्या है, क्योंकि पिछली बार चुनाव में बाजार खिलाफ ही रहा था करण सिंह दलाल के। देखिए भुटानी जी, समय समय की बात होती है, इस समय हालात ये हैं, पिछले 10 साल के कुशासन से भाजपा से जनता तंग आ चुकी है, व्यापारी वर्ग तंग आ चुका है, 750 किसान आंदोलन में हमारे किसान मारे गए, मजदूर दुखी है, जीएसटी के छापों से दुखी है, बिजली बोर्ड के छापों से दुखी है, और फिर 28 साल मैंने इस पार्टी की सेवा करी है दिल से, 2000 तक बीजेपी में रहा हूँ, बड़ा पदाधिकारी रहा हूँ, इनकी कथनी और करनी में अंतर है, विश्व में मोदी से बड़ा झूठा कोई आदमी हो नहीं सकता। और बताता हूँ आपको, अगर मेट्रो पलवल आएगी तो केवल करण दलाल लाएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लाएगा, और किसी की ताकत नहीं। ये जो कहते हैं करते कुछ है कहते कुछ है, झूठे हैं, इनके वायदे झूठे हैं, इनके उम्मीदवार झूठे हैं, और इनके पिछले 10 साल के कुशासन से जनता ने मन बना लिया कि इस बार अब की बार करण दलाल, हरियाणा में कांग्रेस सरकार। तो दलाल साहब के पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो सारा कुछ पलट देंगे? दलाल साहब के पास ऐसा अलादीन का चिराग है, जो अभी भाई नया आदमी आता है ना, उसे राजनीति का कोई कोना पता नहीं, दलाल साहब उसमें से सब निकले हुए हैं, कहाँ से पैसा आना है, कहाँ से कितना लाना है, जिला बनाया, कोई माई का लाल बता दे, 1 साल के अंदर दोनों सचिवालय बनवाए दलाल साहब ने, अम्बेडकर कॉलेज बनवाया, पिछली बातों को छोड़ो, दलाल साहब आज भी जो कहते हैं वो करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक मैं मुख्य बात बताना भूल गया, बाजार के व्यापारी यहाँ मौजूद हैं, आज पलवल शहर के व्यापारियों का व्यापार करना मुश्किल हो गया है, बाहर के बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं वो शहर में व्यापार नहीं करने दे रहे, रोज़ तीसरे दिन धमकियां देने का काम कर रहे हैं, ऐसी आशा उम्मीद हमें है कि मंत्री जी ऐसे गैंगस्टरों का जो शहर में अशांति फैलाना चाहते हैं उनका इलाज करने का काम करेंगे। धमकी जो भाई को अन्य व्यापारी भाइयों को मिल रही है, 8 तारीख के बाद ये धमकी देने वाले ये भाजपा के ही लोग हैं और पुलिस इनसे मिली हुई है, इन सबको नंगा करके पलवल के सामने सड़कों पर खड़ा करेंगे और जेलों में डालेंगे। ये गैंगस्टर जो है नीरज फिरोजपुरिया की तरफ से शायद धमकी आ रही है, गैंगस्टर बीजेपी के लोग हैं, ये तो बेचारे छोटे छोटे भाई ये लोग हैं जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये होती लेते हैं बीजेपी के लोग उसका नाम लेके। प्रवीण जी, दलाल साहब के ऊपर कितना भरोसा आपको? पूरा भरोसा है कि हमारा तो पहली वोट इनको पड़ी थी जब पहली बार मंत्री जी बने, पहली वोट बनी थी, काम धंधे पे फर्क पड़ा आपका क्या? पूरा खत्म हो गया धंधा चलेगा, देखो जी धंधा भी तो खत्म है। तो ये थे हमारे बीच में बाजार में करण सिंह दलाल आए हैं, स्वागत किया व्यापारियों ने, और बाजार जो सजा हुआ है आप देख भी रहे हैं। अच्छा, बाजार का सजा हुआ है, सारा बाजार खुश है दलाल साहब के आने से, और सारा बाजार दलाल साहब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे बीच में बाजार के दुकानदार और करण सिंह दलाल कांग्रेस के प्रत्याशी, साथ में थे पवन भड़ाना, दावा किया है कि भय मुक्त प्रशासन देंगे करण सिंह दलाल और उनकी सरकार। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।